बड़ी खबर भोपाल से। इंदौर विधायक आकाश विजयवर्गीय का बयान, राज्यसभा का निर्वाचन शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ तो मुझे लगता है अच्छे लोग चुनकर जाएंगे और देश हित में काम करेंगे। कुणाल चौधरी के विधानसभा पहुंचकर वोट करने को लेकर बोले आकाश विजयवर्गीय, मुझे लगता है उन्हें यहां नहीं आना चाहिए बल्कि बैलेट पेपर से वोट डालना चाहिए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा इंदौर विधायक आकाश विजयवर्गीय ने। देखिए, पहली बात तो राज्यसभा का चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हो चुका है और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही अच्छे सही लोग चुन के जाएंगे और देश हित में आगे कार्य करेंगे। और जहां तक आपने प्रश्न कुणाल चौधरी जी का किया, तो मुझे भी लगता है कि उनको बैलेट से वोट करवाना चाहिए था, यहां पर आने की आवश्यकता नहीं थी। निसंदेह उससे रिस्क फैक्टर विधानसभा के एम्प्लॉयज़ के लिए और बाकी जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए भी बढ़ेगा, तो मेरा पर्सनली मानना तो ये था कि उन्हें नहीं आना चाहिए। सर, दिग्विजय सिंह को फिर से कांग्रेस ने जितवा दिया और फूल सिंह बरैया को सेकंड नंबर पर रखा, वो हार गए चुनाव, किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि एक ज़मीनी नेता, ST SC वर्ग के बड़े नेता को उन्होंने इस प्रकार से मतलब एक डमी के रूप में पेश किया और हरवा दिया। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को यदि आप देखें तो एक सुमेर सिंह जी, एक बहुत ही छोटे आदिवासी कार्यकर्ता है, उन्हें पार्टी ने जितवाया, मगर कांग्रेस पार्टी की ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है। एक स्थापित नेता थे दिग्विजय सिंह जी, वो तो कहाँ पर भी कहीं पर भी उन्हें प्लेस किया जा सकता था, मगर मुझे लगता है ये ST SC वर्ग का अपमान है, कांग्रेस द्वारा बड़ा अपमान है। फूल सिंह बरैया जी को जिस प्रकार से उन्होंने हरवाया, ये पूरे देश के ST SC वर्ग का बहुत बड़ा अपमान कांग्रेस पार्टी द्वारा। सर, अब राज्यसभा चुनाव, एक वीडियो, एक फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे आपकी और ज्योतिराज सिंधिया की, साथ में फोटो लगी हुई है, कांग्रेस पे सवाल लगा रही है कि जब हमारे साथ नाराज थे तो काफी इज्जत होती थी, लेकिन अब उनकी फोटो भी नीचे कर दी गई है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत ही छोटा सा मुद्दा है, कोई नए कार्यकर्ता ने ऐसा लगा दिया, उसको इसकी जानकारी नहीं थी, तो मुझे लगता है कि उसे इग्नोर करना चाहिए। हम लोग तो इग्नोर कर ही रहे हैं, उन्हें भी इग्नोर करके जो एक्चुअल जनता के मुद्दे हैं, गरीब की, आदिवासी कल्याण की बात करना चाहिए, हमारे प्रदेश के विकास की बात करना चाहिए। कांग्रेस का उस बात को तूल देना बहुत ही निंदनीय है और ये दिखाता है कि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। सर, लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं कि कई ऐसे पोस्टर लगे हैं, राजधानी में भी लगे थे जब केंद्रीय मंत्री जन्मी, तो उसमें भी सिंधिया गायब थे, इंदौर में भी कई पोस्टर लगे हैं, ग्वालियर में भी कई पोस्टर लगे, इसमें सिंधिया नहीं है बीजेपी की तरफ? नहीं नहीं, सिंधिया जी तो सर्वमान्य नेता हैं, बेहद लोकप्रिय नेता हैं और हर कार्यकर्ता के दिल में बसते हैं। अब जो आप कह रहे हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, वो हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दिल में बसते हैं और हम उनके साथ अपना लंबा फ्यूचर। सर, राज्यसभा के बाद अब सेकंड स्टेप मंत्रिमंडल का विस्तार होगा क्या? देखिए, ये तो पार्टी का, बड़े नेताओं का निर्णय है, ऐसा लगता तो है, मगर जैसा भी बड़े नेता तय करेंगे हमें वो स्वीकार होगा। सर, बरैया जी रह गए हैं, क्या कंक्लूजन क्या देखते हैं आप? देखिए, मैंने पहले बता दिया, आप शायद से लेट आए, ये पूरे देश के ST SC वर्ग के सभी लोगों का अपमान है। दिग्विजय सिंह जी को कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता था, मगर कांग्रेस पार्टी ने फूल सिंह बरैया जी को हरवाया, दिग्विजय सिंह जी को आगे पहुंचाया, ये पूरे देश के ST SC वर्ग का, गरीब का, शोषित का, पीड़ित का कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है और मुझे लगता है उन्हें इसकी सज़ा भी ज़रूर मिलेगी।